हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कोटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एचटीएमएल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर का नौवा वीडियो है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल इमेजेस के बारे में, बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में और फेव आइकन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में दोस्तों। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि अट्रीब्यूट्स के बारे में दोस्तों, तो आप लोग अगर मेरे प्लेलिस्ट पे नहीं गए होंगे तो आप लोग चले जाओगे, इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि अट्रीब्यूट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो टू टाइप्स के अट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों, और जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था एक SRC और एक होता है HRF। तो अभी इमेजेस को जब हम लोग किसी भी बैकग्राउंड में जब चलाने के लिए लगता है, वेबसाइट चलाने के लिए, और हमें इमेज लगाना होता है, तो हम लोग SRC का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं फटाक से अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ और चल के हम लोग अपने कोड में चलते हैं, और फिर उसके बाद वहां पे आप लोग को बताता हूँ SRC यूज करके। तो ओपन विद कोड पे आ गया दोस्तों, और यहाँ आने के बाद दोस्तों मैं फटाक से यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे फटाक से एक फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ SRC.html। ओके दोस्तों, और इतना मैं फटाक से बना लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग को दिखने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट बनाता हूँ और इंटर करता हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG। ओके दोस्तों, IMG लिख देता हूँ, मतलब इमेजेस। उसके बाद देन नीचे आते हैं, मतलब इमेज मैंने नाम दिया H1, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक इमेजेस का टैग ले लेता हूँ जिसमें मुझे IMG लगाना पड़ता है। जैसे आप IMG, अगर आप BS कोड यूज कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपको शॉर्टकट दे देता है BS कोड। तो आप जैसे ही IMG लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप तुरंत इंटर कीजिए दोस्तों, तो आप लोग को ये पूरा फुल नहीं करके, मतलब कि लिख कर दे देगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे SRC दिया है, अब यहाँ पे आप लोग को एक इमेज डालना है। मान लीजिए मुझे इमेज डालना है IMG, पहले यहाँ पे फाइल का नाम लिखो IMG/। उसके बाद अभी जैसे आप स्लैश लिखोगे दोस्तों, तो IMG फाइल के अंदर स्लैश अंदर जो आपके पास फोटो रहेगी वो आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और दस सेव कर लीजिए, और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे चलिए दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग आओगे यहाँ पे, देखो मैंने एक यूट्यूब का लोगो लिया था दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वो लोगो आ गया, लेकिन काफी बड़ा है दोस्तों। तो इसको चलो हम लोग मैक्स विथ और वो दे लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन ये दोस्तों एक बात बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें ना हम लोग बाद में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ, 300 पिक्सल। ओके, अंतिम सेव करता हूँ, फिर चलते देखते हैं। तो देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने IMG लिखा हुआ है H1 के अंदर, और मैंने यहाँ पे हाइट विथ देके इसको इमेज लगा दिया दोस्तों। जैसे कि मैंने समझ गया होगा आप लोग को, मतलब सॉरी, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अभी IMG मैप के बारे में दोस्तों। तो IMG मैप क्या होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में बताता हूँ, मैं आप लोग को करके नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही बता देता हूँ। देखो देखो IMG मैप क्या होता है, जब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग ने यहाँ पे एक टैग बनाया। ओके, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर देखे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैंने एक इमेज लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक IMG SRC लिया गया, पाथ का नाम दिया गया है, और यहाँ पे अल्ट में क्या लिखा गया, वर्क प्लेस, और उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे यूज मैप पे क्या किया गया है, वर्क मैप करके कोई भी नाम दिया गया हैशटैग करके। चलिए तो अब इसको देखो, यहाँ पे मैप, उसके बाद नेम करके वर्क मैप करके, और उसके फिर एरिया। अब देखो एरिया कैसे यूज किया गया, मान लीजिए आप यहाँ पे ये जो YouTube आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, आप लोग कौन से एरिया पे क्लिक करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए यहाँ पे एक इमेज IMG मैप्स करके पैराग्राफ लिखा हुआ है, और देन यहाँ पे एक SRC लगाया गया एट्रीब्यूट, और उसके यहाँ पे विथ हाइट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे मेम वर्क मैप करके, और यहाँ पे एरिया दिया गया है कि कितने एरिया पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों को वो शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर देन देखते हैं हम लोग कि ये हमें कौन से पेज पे लेके जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो ये हमारे कंप्यूटर के बारे में पूरा दे दिया, जैसे कि विकिपीडिया पे जैसे आते हैं सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई दोस्तों, तो हमको वो शो करके हमको दे दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा ये इमेज मैप क्या होता है। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज के बारे में दोस्तों। तो बैकग्राउंड इमेज हम लोग किसी भी वेबसाइट में, जैसे मान लो कि आप लोगों को एक पीछे इमेज लगाना, और इमेज के ऊपर आप लोगों को कोई भी एक टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड, मतलब स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं, और URL करके, और उसके बाद वहां पे पाथ का नाम डालते हैं दोस्तों। तो ये चीजें स्टाइल, मतलब CSS का है पार्ट है, तो मैं आप लोग को ये सारी चीजें CSS के अंदर सिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज के लिए CSS का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर्स एलिमेंट्स के बारे में। तो पिक्चर्स एलिमेंट तो कोई काम का नहीं होता, बस पिक्चर्स एक टैग है, आप लोग इतना जान के रखो कि
मतलब कि इमेजेस को लगाने के लिए पिक्चर टैग का यूज करते हैं दोस्तों। इसकी आपके लाइफ में पूरी इसकी कहीं यूज नहीं होती है दोस्तों। आप पूरा वेबसाइट बना लोगे लेकिन आपको पिक्चर से कहीं यूज नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फेविकेन के ऊपर। तो फेविकेन क्या होता है, फेव आइकन क्या होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों फेव आइकन क्या होता है वो बता देता हूँ आप लोग को दोस्तों। अब मान लीजिए आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे कि टाइटल आप लोग यूज करते हो, किस लिए टाइटल आपने यूज किया, यहाँ पे देख जैसे आप देख सकते हो यूट्यूब में लिखा हुआ है डिजिटल कोटेक यूट्यूब दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा टाइटल के अंदर आया हुआ है, तो टाइटल के अंदर जो है हमारा वो हमें शो कर रहा है। अब देखो डिजिटल कोटेक के पीछे सबसे आगे में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूट्यूब का एक क्या दिख रहा है आप लोग को, यूट्यूब का क्या दिख रहा है आइकन दिख रहा है दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पे मान लो कि आपके वेबसाइट में स्टार्टिंग में आइकन लगाना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लिंक देना पड़ता है दोस्तों। चलिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अपने बीएस कोड में हम लोग को पेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक नया बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ आइकन, ओके दोस्तों .html। ओके दोस्तों मैं यहाँ पे एक आइकन दे दिया और मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। आप लोग को दिख ही रहा होगा दोस्तों, हाँ चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने दे दिया और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इमेज का ये पाथ चेंज कर लेता हूँ, मेरा अभी देखो इमेज कहाँ पे रखा हुआ वो देख लो। मैं यहाँ पे img लिखा उसके बाद स्लैश, मतलब img फाइल के अंदर मेरा ये फोटो, मैं एंटर कर दिया और उसको अब सेव करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने, अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया न्यू ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ तो आप लोग अच्छा रहेगा। तो अभी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसके वजह से आया है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माय पेज टाइटल लिखा हुआ है, ये हमारा माय पेज का टाइटल हो गया। उसके बाजू में जो हमने पाथ दिया हुआ था इमेज का वो देखो हमारा यहाँ पे यूट्यूब का लोगो आ गया दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फैब आइकन कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को ये मैंने जो समझाया पूरा अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए चलो दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एचटीएमएल टेबल्स के बारे में और लिस्ट के बारे में दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नहीं, बाय।